नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। सीबीएसई के 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल किए जाने के बाद कई राज्य पहले ही अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि उनके यहाँ भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। तमाम सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या पश्चिम बंगाल में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएँ होंगी। अब आज थोड़ी देर पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करके पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और उनके जो सिविल सोसाइटी के एक्सपर्ट हैं या एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, उनकी राय मांगी है। और कल दोपहर 2 बजे तक लोग अपनी राय भेज सकते हैं। इसमें इस नोटिस में कहा गया है कि ज़रूर लोग अपनी इस बारे में बताएं कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित होनी चाहिए। अगर ये परीक्षाएं आयोजित होनी चाहिए तो इसका तरीका क्या होना चाहिए, यानी ये परीक्षाएं ऑनलाइन हो या फिर सेंटर में बुला के हो या फिर घर से ही परीक्षाएं हो, कैसे हो, इसका तरीका क्या होना चाहिए, ये आप राय दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि परीक्षाएँ ना हो तो आप अपनी राय बता सकते हैं कि अगर परीक्षाएँ ना हो तो फिर क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, बच्चों को नेक्स्ट क्लास में कैसे प्रमोट किया जाए, यानी 12th का रिजल्ट 10th का रिजल्ट कैसे बने, इसकी भी राय बच्चों से और उनके पेरेंट्स से मांगी गई है। आपको बता दें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने इसमें कहा है कि बच्चों का भविष्य हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, बच्चों का भविष्य हमारी पहली प्राथमिकता है। हम चाहते हैं कि हम कोई भी फैसला लेने से पहले 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करने या फिर इसे कैंसिल करने को लेकर हम चाहते हैं कि जो इस शिक्षा फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं अपनी राय दें। और सबसे अहम है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, यानी बच्चे और उनके अभिभावक जरूर अपनी राय भेजें। उसमें उन्होंने अपनी इस नोटिस में उन्होंने 3 ईमेल एड्रेस भेजे हैं जहां पर आप अपनी राय भेज सकते हैं। और आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल जो काउंसिल है, एजुकेशन काउंसिल, उसने पहले एक तरह जो राय दी थी, ने एक प्रस्ताव दिया था कि ये जो परीक्षाएं 10वीं 12वीं की हैं, ये परीक्षाएं बच्चे घर से दे सकते हैं, इस तरह की राय दी गई थी। और कहा गया था कि जब यूनिवर्सिटीज़ इस जो हायर एजुकेशन लेवल पर डिसाइड किया जा सकता है कि यूनिवर्सिटीज़ जब घर से परीक्षाएँ करवा सकती हैं तो ये 10वीं और 12वीं की परीक्षाएँ क्यों नहीं हो सकती। और अब आपको स्क्रीन पर पहले आपको ईमेल आईडी दिखाएंगे, वो 3 ईमेल आईडी जिस पर कि आप अपनी राय भेज सकते हैं, आप जरूर भेजें। और यह बच्चों के लिए अच्छा मौका है कि आपकी बात सुनी जाएगी, जैसा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम जानना चाहते हैं क्योंकि बच्चों का भविष्य हमारी पहली प्राथमिकता है, इसलिए बच्चे अपनी राय और उनके पेरेंट्स अपनी राय भेज सकते हैं। इसके अलावा दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी के मेम्बर्स हो, एजुकेशन फील्ड के जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हैं, वो अपनी राय जरूर भेजें। आपको बता देते हैं कि ये 3 ईमेल आईडी कौन सी है जिस पर कि आप अपनी राय भेज सकते हैं। कल दोपहर 2 बजे तक आपको राय अपनी भेजनी है। आपको बता देते हैं जो पहली ईमेल आईडी है pbssm.spo@gmail.com, इस पर अपनी राय भेज सकते हैं। इसके अलावा commissionerschooleducation@gmail.com, इस पर भी आप अपनी राय भेज सकते हैं। दूसरा है wbssed@gmail.com पर आप अपनी राय भेज सकते हैं। तो आपको बता दें कुछ इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कि शायद परीक्षाएं हो सकती है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। जैसे कोई ऑफिशियल जानकारी आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अपडेट है कि वो समझे कि मुख्यमंत्री ने राय मांगी है और उस राय को मिलने के बाद ही फैसला किया जाएगा कि क्या वाकई परीक्षाएँ कैंसिल होंगी या फिर आयोजित होंगी। अगर आयोजित होंगी तो उसका तरीका क्या होगा, इसके बारे में भी आप अपनी राय भेज सकते हैं। कल दोपहर 2 बजे तक आपको अपनी राय भेजनी है। इसमें अगर आप चाहते हैं कि परीक्षाएं ना हो तो आप ये ज़रूर बताएं कि जो पास करने का क्राइटेरिया वो क्या होना चाहिए। हम आपको ईमेल आईडी बता देते हैं pbssm.spo@gmail.com। दूसरा ईमेल आईडी है commissionerschooleducation@gmail.com। तीसरा ईमेल आईडी है wbssed@gmail.com, इस पर आप भेज सकते हैं, अपनी राय जरूर भेजें और बताएं कि परीक्षाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर परीक्षा हो तो क्या तरीका होना चाहिए, क्या एग्जामिनेशन सेंटर में बच्चे जा सकते हैं, क्योंकि इतना ये कोरोना पैंडेमिक की वजह से हाल इतना ख़राब है कि बच्चों का स्कूल भेजना, एग्जामिनेशन सेंटर भेजना काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो अब आपकी क्या राय आप ज़रूर बताएँ। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि परीक्षाएं, अगर क्या और कोई तरीका हो सकता है, क्या घर से आप परीक्षाएं दे सकते हैं, क्या ऑनलाइन परीक्षाएं कोई ऑप्शन हो सकता है, जो भी ऑप्शन आप सोचते हैं वो अपनी राय भेज सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि परीक्षाएं ना हो तो आपका रिजल्ट कैसे तैयार होए, 10वीं 12वीं का रिजल्ट क्या जैसे बाकी राज्यों ने किया, जो CBSE पैटर्न है कि प्री बोर्ड के आधार पर जिस तरह बच्चों को प्रमोट करने का प्रस्ताव, क्या वैसा होना चाहिए। आपको बता दें CBSE ने जो 12वीं की परीक्षाएँ कैंसिल की है,
क्योंकि दसवीं में तो ये क्लियर हो गया था कि जो नाइन्थ के रिजल्ट के आधार पर या फिर प्री बोर्ड के आधार पर बच्चों को टेंथ से इलेवन में प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन ट्वेल्थ का रिजल्ट कैसे तैयार होगा इसके बारे में सीबीएसई ने एक 10 मेंबर कमेटी बनाई है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कोई फैसला होगा कि ट्वेल्थ का रिजल्ट कैसे तैयार किया जाए। लेकिन जहाँ तक पश्चिम बंगाल बोर्ड की बात है, वहाँ पर ये आपसे राय मांगी गई, आप जरूर जो ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट है उनके पेरेंट्स है या टीचर्स अपनी राय भेज सकते हैं कि अगर ट्वेल्थ का एग्जाम परीक्षाएं कैंसिल होती हैं तो वहाँ पर क्या तरीका होना चाहिए। आपको बता देते हैं कि जब ये अभी पिछले दिनों ही ऐसा हुआ था कि पश्चिम बंगाल एजुकेशन काउंसिल ने एक सुझाव दिया था, एक प्रस्ताव था उनका कि अगर घर से परीक्षाएं करने का प्रस्ताव था, उसमें कहा गया था कि चूंकि कोरोना का जो भी हमने अप्रैल मई में इतने ज़्यादा केसेस बढ़ गए तो परीक्षाओं को फिर पोस्टपोन करना पड़ गया था, लेकिन इससे पहले जो उनका प्रस्ताव था कि बच्चों की परीक्षाएं घर से करवाई जा सकती हैं, तो अब देखना होगा क्या इस तरह के किसी क्राइटेरिया पर बात बनती है, क्या बच्चे अगर घर से देंगे तो ऑनलाइन परीक्षा देंगे या वो अपनी जैसे कि छत्तीसगढ़ ने किया कि बच्चे कॉपी लिख के स्कूल में जमा कर दे, क्या ऐसा कोई का अपनाया जाएगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और जैसे ही पश्चिम बंगाल सरकार कोई फैसला करती है हम आपको जरूर जानकारी देंगे। और स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं वो नोटिस जो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जारी की गई, जिसमें लोगों के सुझाव मांगे गए। कल दोपहर 2 बजे तक आप जो 3 ईमेल आईडी हमने स्क्रीन पर दिखाए उस पर आप जरूर अपनी राय भेज सकते हैं। अब एक नज़र डालते हैं देश के हालात पर, देश में क्या हो रहा है। सीबीएसई बोर्ड ने कैंसिल कर दिया, बाकी राज्य क्या कर रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन और बाकी राज्यों का क्या हाल है, जैसे कौन से वो राज्य हैं जो पहले ही कैंसिल कर चुके हैं परीक्षाएं, 12वीं की परीक्षाएं जहां पर कैंसिल हो चुकी हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना, ये 12 राज्य हैं वो पहले ही फैसला कर चुके हैं कि उनके यहाँ 12वीं की परीक्षाएं नहीं होगी। और ज़्यादातर राज्य सीबीएसई के उस पैटर्न का इंतजार कर रहे हैं, देखना होगा कि सीबीएसई अपने 12वीं के स्टूडेंट को किस तरह नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट करती है, क्योंकि 12th क्लास के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे चल के बच्चों को नीट और जेई के एग्ज़ाम देने हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, तो क्या क्राइटेरिया रहेगा इस पर पूरे देश की नज़र है। और आपको बता देते कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कोई फैसला अभी नहीं किया, जैसे आंध्र प्रदेश ने अभी कोई फैसला नहीं किया है, असम ने कोई फैसला नहीं किया, पश्चिम बंगाल सरकार का हमने बता ही दिया, पश्चिम बंगाल सरकार सुझाव मांग रही है, अभी उन्होंने भी कोई फैसला नहीं किया है, तमिलनाडु सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन ऐसे भी राज्य हैं जो जिनको कोई फैसला लेने की ज़रूरत नहीं है। बिहार, एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि बिहार ने बहुत ही स्मार्टली फरवरी में ही 12वीं और 10वीं के एग्ज़ाम करवा लिए थे और उनके रिजल्ट भी आ चुके हैं। इस तरह से छत्तीसगढ़ ने एक फार्मूला निकाला है कि 1 जून को उन्होंने बच्चों को कॉपी और क्वेश्चन पेपर्स यानी आंसर शीट्स और क्वेश्चन पेपर देने के लिए बुलाया और 5 जून को बच्चों ने अपनी कॉपीज जमा कर दी। तो छत्तीसगढ़ ने अपना ये तरीका अपना लिया है, बिहार सरकार पहले ही अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर चुकी है। इसी तरह से केरल सरकार ने भी अप्रैल में ही एग्ज़ाम बोर्ड के एग्ज़ाम करवा लिए थे, इसलिए केरल, छत्तीसगढ़ और बिहार को कोई फैसला करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो राज्य अभी विचार कर रहे हैं उनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और आंध्र प्रदेश शामिल हैं, लेकिन बाकी जो राज्य जिन्होंने इस डिसाइड कर लिया कि क्या होगा, जिनमें कि तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश और गुजरात, ये राज्य है जिन्होंने 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी। और ज़्यादातर राज्यों की नज़र है सीबीएसई के पैटर्न पर, सीबीएसई ने एक जो 10 मेंबर कमेटी बनाई है वो डिसाइड करेगी कि एग्ज़ाम जो नए अगर जो कैंसिल किए गए बच्चों का रिजल्ट कैसे बनेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि जिन राज्यों ने एग्ज़ाम कैंसिल किए हैं उनके सभी देश भर के बच्चों की नज़र इस पर है कि आप उनके रिजल्ट कैसे तैयार होंगे, क्योंकि 12th का रिजल्ट तमाम जो आगे का बच्चों का फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है कि वो नीट, मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कैसे अपियर होंगे। और जो यूनिवर्सिटीज़ में आपको बता दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले कह दिया कि जो सीबीएसई का रिजल्ट होगा यानी उनके उस पर हम पूरी तरीके से भरोसा करते हैं और उसी के आधार पर कट ऑफ बनाई जाएगी। तो अब देखना होगा कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ क्या फैसला करती हैं। जैसे ही पश्चिम बंगाल को लेकर कोई अपडेट आता है हम आपको जरूर जानकारी देंगे। और अगर आप किसी और एग्ज़ाम को लेकर जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर हमसे पूछें, हम कोशिश करेंगे कि आपको एक्सपर्ट से बात करके आपको बताएं कि आपके एग्ज़ाम किस तरीके से होने वाले हैं। फिलहाल जो पश्चिम बंगाल का अपडेट है वो हमने 3 आपको ईमेल आईडी बताए। पश्चिम बंगाल में 10वीं 12वीं की परीक्षाएं हों या फिर ना हो, इसको लेकर सुझाव मांगे गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईमेल से सब लोगों से सुझाव मांगे। आप कल दोपहर 2 बजे तक अपनी राय भेज सकते हैं। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना, अगले अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे।